हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज क्राफ्ट का एक बहुत ही यूनिक आइटम मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। यस, चूचू करती चिड़िया। चिड़िया मतलब बर्ड। बर्ड बनाएंगे कुछ बहुत ही कम मटेरियल से, एंड पेपर क्राफ्ट है। इजीली कोई भी बच्चा हो 3+ से, कोई भी बच्चा इस क्राफ्ट को कर सकता है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, एनी कलरफुल शीट यू कैन टेक एंड कट अ सर्कल एज पर द डायमीटर यू रिक्वायर फॉर द डिमेंशन ऑफ द बर्ड। अगर आपको छोटी सी बर्ड बनानी है तो आप छोटा सा सर्कल ले लीजिए, अगर आपको बड़ी सी बर्ड बनानी है बड़ा सा सर्कल। तो आपको क्या क्या चाहिए, एक ही शीट में से देखिए, मैंने एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल एंड दीज आर द टू विंग्स मैंने कट कर लिए हैं, और ये मैंने कुछ टेल के लिए ये स्ट्रिप्स कट कर लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या करना है हमको। पहले हम ये जो बड़ा वाला सर्कल है ना, इसको ले लेते हैं, और इसको बस हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले सर्कल को हम इस बड़े वाले सर्कल को कर देंगे फोल्ड। हमने इसको फोल्ड कर दिया है, सी लाइक दिस, मैंने इस बड़े वाले सर्कल को फोल्ड कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, सी मैंने ये बड़े वाले सर्कल को फोल्ड कर दिया और ऐसे रख दिया। अब ये जो ये हमारा छोटा वाला सर्कल है, इस पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्लू या फेविस्टिक अप्लाई करेंगे। मैं फेविस्टिक यूज करती हूँ क्योंकि मुझे फेविस्टिक से बहुत कन्वीनियंट लगता है, हाथ भी गंदे नहीं होते हैं। आपको अगर ग्लू यूज़ करना है आप ग्लू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस ग्लू को हम यहाँ पर इस स्मॉल सर्कल को हम फेविस्टिक से यहाँ पर स्टिक कर देंगे। देखिए कितने अच्छे से मैंने इसको यहाँ पर स्टिक कर दिया है। ठीक है, ये यहाँ पर स्टिक हो गया है। नाउ अब हम इसके विंग्स स्टिक करेंगे। विंग्स स्टिक करने के लिए हमको क्या करना है, बस ये जो विंग का एक एंड है उस पर मैंने फेविस्टिक लगाया है एंड मैंने ऐसे करके उसको स्टिक कर दिया। देखिए बर्ड का एक विंग ये हो गया, एक और विंग मैं ऐसे ही दूसरी साइड पर स्टिक कर देती हूँ। ठीक है, एक और विंग मैंने ऐसे ही दूसरी साइड पर स्टिक कर दिया है। देखिए बोथ द साइड मैंने विंग्स स्टिक कर दिए हैं। अब मुझे क्या ज़रूरत है, इसकी टेल बनाने की। देखिए ये बर्ड के विंग्स हो गए हैं, अब मुझे इसकी टेल बनाना है। ठीक है, टेल के लिए जो मैंने ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स कट की हैं, सीधी स्ट्रिप, ये मैं पीछे टेल की जगह पर इसको फेविस्टिक की हेल्प से सबको लगा दूंगी, या फिर मैं स्टेपल भी कर सकती हूँ। इट विल बी मोर कन्वीनियंट कि आप सारी ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है मैंने अलग अलग लेंथ की ली है, और मैं क्या करूँगी, बस देखिए ये मैंने सारी ली ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, एंड नाउ आई विल पुट अ स्टेपल। बस सिंपल, देखिए नाउ यू कैन सी दिस बर्ड इज हेयर। अब क्या कमी है अभी इसमें, अभी तो इसमें इसकी आईज नहीं है, इसकी बीक नहीं है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसकी आईज अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आईज कैसे अप्लाई करेंगे, आई विल पुट ग्लू ऑन दिस आई। मैंने ये वाइट पेपर पे मार्कर से बना के कट कर लिया है आई को। आप चाहें तो रेडीमेड वाली आईज भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसकी मुझे बीक भी चाहिए होगी, बर्ड की बीक भी होती है ना, एंड जब बर्ड फ्लाई कर रही होती है तो उसके जो लेग्स होते हैं वो नहीं दिखते हैं, तो दिस इज़ अ फ्लाइंग बर्ड, तो अभी हमें लेग्स की ज़रूरत नहीं है। ये इसकी बीक हो गई और ये इसकी आईज हो गई। अब हम इसको डेकोरेट करने के लिए इस पर थोड़ा सा ग्लिटर भी अप्लाई करेंगे। नाउ सी, मेरे पास एक ये बहुत ही अच्छा ग्लिटर था लेकिन ये सेम कलर का हो गया, तो मैंने वही अप्लाई कर दिया। आप इस पे गोल्डन, सिल्वर, कोई भी कंट्रास्ट कलर का ग्लिटर अप्लाई करके इसको बहुत ही खूबसूरत लुक दे सकते हैं। आई होप आपको ये चिड़िया बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।